आज पहले हम आपको शाहजहां शेख से मिलवाएंगे जिसके काले कारनामे आपने बहुत देखे, लेकिन आज शेख की वीवीआईपी कार बाजी दिखाएंगे, जिसके पास कार के बिल्कुल वैसे ही वीवीआईपी नंबर थे जैसे नंबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गाड़ियों पर हैं। आज शेख की कारों वाले इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। फिर एक रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट का केंद्र है भारत और चीन। सवाल है, क्या 2025 से 2030 के बीच भारत चीन युद्ध की आशंका है? लेकिन इस रिपोर्ट का आधार क्या है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? इस पर सत्ता की एक विस्फोटक कुंजी हम खोलेंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की सत्ता की बात जो पाकिस्तान तक देखने को मिली, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मंत्रोच्चार, घंटी और शंख के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगे। आज ये खबर कई सनातन प्रेमियों को सुखद एहसास देगी और कट्टरपंथी से देखकर बेचैन हो जाएंगे। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। होली के बाद दक्षिण से उत्तर तक प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनावी अभियान शुरू होने वाला है। खबर है, पीएम मोदी देश में 150 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। इसमें पीएम का एक रोड शो काशी में नामांकन के दिन भी होगा। महिला दिवस पर मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए हैं। इस ऐलान के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। आज शाम आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। चुनाव के लिए आपका नारा है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली खुशहाल। इस पर आपको जवाब बीजेपी ने दिया और कहा, जनता ने भी तय कर लिया है, अब की बार नो नटवरलाल। और आज पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश के 23 कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड 20 से अधिक कैटेगरी में दिए गए। पीएम मोदी ने कहा, ये क्रिएटिविटी का सम्मान है क्योंकि रचनाकार देश की पहचान बना रहे हैं। आज हम आपको सबसे पहले संदेश खाली के उस शेख से मिलवाने जा रहे हैं जिसके काले कारनामों की बैलेंस शीट हमने कई बार सत्ता में खोली है, लेकिन आज हम आपको शेख की ऐसी वीवीआईपी कारबाजी दिखाने जा रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि टीएमसी राज में उसकी सत्ता कितनी मजबूत रही। आज हम आपको शाहजहां शेख, गाड़ी नंबर 6555 और उसकी कार वाली रहस्य कथा के बारे में बताएंगे, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास है। आज हम आपको कारों के शौकीन शाहजहां शेख की उन कारों के बारे में बताएंगे जिसमें उसके गुनाहों का टैंक फुल हो चुका है। आज इस खबर को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि शाहजहां शेख कैसे खुद को संदेश खाली का सीएम समझता था। शेख टीएमसी सरकार में अपना कद इतना ऊंचा दिखाना चाहता था कि उसने अपनी एक कार का नंबर बिल्कुल वैसे ही लिया था जैसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कार का है। वीवीआईपी कारबाजी वाली ये कहानी उस शेख की है जो बचपन में कभी दूसरों की कार धोता था, लेकिन अपराध और खौफ के दम पर उसने अपने पास कारों का पूरा जखीरा जमा कर लिया था। इसलिए आज हम सत्ता में शेख की वीवीआईपी नंबर वाली कार की चाहत पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक बहुत छोटा सा जिला है, लेकिन इसी सोठे से संदेश खाली में रहने वाले शाहजहां शेख के सपने और अरमान बहुत बड़े थे। धीरे धीरे उसका कद इतना बड़ा हो गया कि उसे सत्ता और सरकार का संरक्षण मिलने लगा और फिर शेख खुद को संदेश खाली की सरकार समझने लगा। और इसका सबूत है शाहजहां शेख की गाड़ी का एक नंबर WB06L6555। कई न्यूज मित्र यह भी सोचेंगे, आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद इस तरीके का नंबर किसी को भी मिल सकता है। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि बंगाल में टीएमसी राज में शेख का कद कितना बड़ा था। दरअसल शाहजहां शेख अपनी कार के लिए जिस वीवीआईपी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था, वैसा ही प्रीमियम नंबर बंगाल में कुछ लोगों के पास ही है। और इनमें से पहला नाम है खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरा नाम है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का। शाहजहां शेख की कार की नंबर प्लेट के आखिर में 4 अंक हैं, 6555, जबकि इसी से मिलता जुलता नंबर ममता और अभिषेक बनर्जी का भी है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको पूरा नंबर नहीं दिखा सकते। इससे आप ये जरूर समझ सकते हैं कि संदेश खाली के शेख को कैसे बंगाल सरकार सत्ता का प्रीमियम मेंबरशिप दे रही थी। अब हम आपको शाहजहां शेख की उन दो कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उनके गुनाहों का टैंक फुल हो चुका है। इसमें से एक कार का जिक्र हम आपको पहले कर चुके हैं जिसका नंबर WB06L6555 है, लेकिन शेख के पास एक और कार है जिसके साथ अपराध और नियमों के उल्लंघन की एक बहुत बड़ी लिस्ट जुड़ी हुई है और इस कार का नंबर था WB26BG7901।
हम आपको शाहजहां शेख की उस गाड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ना तो शाहजहां शेख की इन दोनों गाड़ियों का कोई अता पता है और ना ही इन गाड़ियों के ड्राइवर्स का। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख की इन दो कारों पर नियम उल्लंघन के कुल 118 केस दर्ज हैं। इनमें से 94 मामले सिर्फ कार नंबर WB26BG7901 पर दर्ज किए गए, जबकि नियम उल्लंघन के 24 केस शेख की VVIP नंबर वाली कार WB06L6555 से जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शाहजहां शेख संदेश खाली से लेकर कोलकाता तक नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए कुख्यात रहा है। ना सिग्नल, ना यू टर्न, ना स्पीड लिमिट, सत्ता का पावर बैकअप मिलने के बाद शाहजहां शेख पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल था। दावा है कि शाहजहां शेख ने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को खुद ही ऑर्डर दिया था कि गाड़ी भगाते जाओ और स्पीड लिमिट कभी मत देखना। इतना ही नहीं, शाहजहां शेख की अकड़ और शेखी इतनी थी कि वो यहां तक कहता था पश्चिम बंगाल में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो उसकी कार को हाथ लगा सके। शाहजहां तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ऐसे कहीं सुराग है जो CBI को अभी मिलना बाकी है। शेख शाहजहां के पास दो गाड़ी था, जिसमें एक गाड़ी का नंबर 6555 था, दूसरा गाड़ी का नंबर 7901 था। अब ये 6555 नंबर का जो गाड़ी है उसको लेके यहाँ पे सवाल उठ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हम लोगों को जो पता चला है, ये जो एक अस्थाई एक जैसे छावनी जैसा बना हुआ है, यहाँ पे उनका अपना 6555 वाला जो गाड़ी है वो यहाँ पे रहता था। अब ये गाड़ी एक प्रीमियम नंबर का गाड़ी है जो कि बड़े बड़े नेता CM ममता बनर्जी ऐसे नंबर सीक्वेंस नंबर को इस्तेमाल करते हैं, जिसको पाने के लिए करीब 2 से 3 लाख रुपया ये VIP नंबर में खर्चा करना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो कि ऐसे नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन शेख शाहजहां उन्हीं का तरह अपना नंबर जो यूज़ करते थे, इसको लेके सवाल उठ रहा है उनका मानसिकता को लेके, उनका जो साइकोलॉजी था, वो अपने आप को कैसे एक लीडर समझते थे, कैसे एक VIP समझते थे, उनका गाड़ी का नंबर से ही पता चलता है। ये दो गाड़ी फिलहाल फरार है, 118 इनके खिलाफ केसेस हैं, और सबसे बड़ी बात है ड्राइवर समेत ये दो गाड़ी लापता है। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं ये गाड़ी कहां गया है, क्योंकि अगर ये गाड़ी लापता है तो इन गाड़ी में कुछ सुराग हो सकता है, ऐसा ये मान के चल रहे हैं। इसको दिखा देते हैं, शेख शाहजहां का एक बार घर देख लीजिए, घर के सामने बिल्कुल इनका वहाँ पर गाड़ी रहता था और ये गाड़ियों में चढ़ के वो कहीं बार कोलकाता में जाता था। अब सत्ता में यह भी देखिए कि जो शाहजहां शेख संदेश खाली से लेकर कोलकाता तक अपनी जो शेखी दिखाता था, कैसे CBI की जकड़ में उसकी अकड़ निकलती जा रही है। शाहजहां शेख वैसे तो CBI के पास है, लेकिन आज CBI की एक और टीम ने दोबारा संदेश खाली जाकर शेख के घर पर धावा बोल दिया। आज CBI ने हाईटेक कैमरों से शाहजहां शेख के घर की 360 डिग्री एंगल वीडियोग्राफी की है और शेख के घर की एक स्पेशल 3D मैपिंग की गई है। इसी 3D मैप को दिखाकर CBI शाहजहां शेख से पूछताछ करेगी, और ये इसलिए किया गया ताकि शाहजहां शेख को बार बार संदेश खाली ना लाना पड़े। यानी इससे एक बात तो एकदम साफ है कि CBI ने शेख की शेखी निकालने की पूरी तैयारी कर ली। शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया है और अपना हिफाजत में लिया है और आज CBI पहुँचे हैं शेख शाहजहां के घर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D एक कैमरा है जो कि 3D मॉडलिंग के लिए, ये पूरा इलाका जो है इसका जो 3D मॉडल है इसका मॉडलिंग यहाँ पे किया जा रहा है। जो कैमरा है ये पूरा इलाका जो है इसका 3D मॉडलिंग तैयार करेगा, ताकि ये मॉडल बना के शेख शाहजहां के सामने लाया जाए और उनको पूछताछ किया जाए कौन से एरिया में क्या क्या है। शेख शाहजहां का ये घर है और ये घर के सामने हम लोग खड़े हैं जहाँ पे ED के ऊपर आक्रमण हुआ था, और पूरा CBI ये पूरा चीज़ का छानबीन कर रही है और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ बरामद होगी उसके ऊपर शेख शाहजहां को पूछताछ किया जाएगा।
ये एक घर है, यहाँ से आप देखिए फॉरेंसिक लैब के जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब के जो कोलकाता के जो अधिकारी है वो यहाँ पे हैं। तो ये जो पूरा घर है इसमें छानबीन किया जा रहा है, यहाँ पे सीबीआई हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहा फॉरेंसिक लैब यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी का फिंगरप्रिंट है या तो फिर यहाँ पे और कोई चीज़ है जिसके बारे में जानना सीबीआई को ज़रूरी है। एक नोटिस लगा हुआ है, सीबीआई यहाँ पे पूरी तरीके से ये इलाका को घिर चुका है और यहाँ पे पूछताछ करने के लिए यहाँ पे जो इंक्वायरी करने की ज़रूरत है वो इंक्वायरी अब यहाँ पे चल रहे हैं, वो छानबीन यहाँ पे चल रहे हैं।